कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। भारतीय राजनीति का ऊंट अब कौन सी करवट लेगा, यह देखने का वक्त आ चुका है। कल यानी 2 नवंबर को ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने का समय भेजा है। खुद आम आदमी पार्टी यह मान चुकी है कि ED के सामने अरविंद केजरीवाल जाएंगे जरूर, लेकिन शायद वापसी ना हो। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी घर ले जाएंगे, ऐसी आशंका खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री जता रहे हैं। देश की राजनीति में यह संभवतः पहले मौका है जब दो लोग यानी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पद पर रहते हुए जेल गए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में यह भी सवाल कौन रहा है कि केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री और पार्टी का संयोजक आखिर कौन। हालांकि आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो पार्टी व सरकार अब जेल से ही चलेंगी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में नहीं तो कोई अरविंद केजरीवाल से ऊपर है और नहीं होगा। यदि कल ईडी के सामने पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर कौन। जवाब भी गोपाल राय, कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद के रूप में तलाशे जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज और अतिशी में भी इस पद की संभावनाएं तलाशी जा रही। आज यानी केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश होने से पूर्व सौरभ भारद्वाज ने भले ही यह कहा हो कि यदि ऐसा होता है तो पार्टी व सरकार अब जेल से ही चलेगी, तो सवाल उठता है कि आखिर कब तक। सवाल उठता है क्या राज्यपाल यानी LG जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं। तो अमूमन किसी सरकारी कर्मचारी के 3 दिन से अधिक जेल में रहने पर उसका स्वतः ही निलंबन हो जाता है, लेकिन यह व्यवस्था इस राजनीतिक सरकारी व्यवस्था पर लागू नहीं। हाँ, वह नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, हालांकि मौजूदा राजनीतिक माहौल में नैतिकता की बात करना ही बेमानी लगता है। जहां तक राज्यपाल यानी LG द्वारा जेल जाने के बाद केजरीवाल को बर्खास्त करने का सवाल है, तो नियम यही है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही किसी की नियुक्ति अथवा बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, अपने आप नहीं। कुल मिलाकर जेल जाने के बाद भी मंत्री जेल से ही सरकार चला सकता है। भारतीय राजनीति में इसके कई उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने जेल जाने के बाद नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दिया था और न ही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनसे इस्तीफा ही मांगा था, क्योंकि उन्होंने इस गिरफ्तारी को ही राजनीतिक बताया। तमिलनाडु के DMK मंत्री एनथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उनसे इस्तीफा नहीं दिया। इतना ही नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि यह तय करना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर निर्भर है कि क्या DMK मंत्री एनथिल बालाजी, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार है, या कैबिनेट का हिस्सा बने रहेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह बात पूर्व अन्नाद्रमुक सांसद जयवर्धन और अन्य की याचिका के जवाब में कही थी। इस याचिका सेंथिल बालाजी की स्थिति को चौंकी दी गई थी। इसके अलावा लालू यादव ने भी जब खुद पर गिरफ्तारी की तलवार लटके पाई थी तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बाद में उनसे इस्तीफा लिया गया था। यानी कुल मिलाकर राज्यपाल खुद से किसी मंत्री के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ही जेल चला जाए तो एक बात तो तय है कि जेल से सरकार व पार्टी दोनों को ही चला पाना असंभव के नजदीक तो होगा ही। ईडी के समक्ष पेशी के दौरान कथित शराब घोटाले से जुड़े पीछे सवाल और फिर दीपावली जेल के सलाखों के बीच मनाने की आशंका के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने जरूर आए। उन्होंने 5,000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने की जानकारी देते हुए नगर निगम के भ्रष्टाचार की बात तो कही, लेकिन लंबे समय से मोदी व अडानी पर लगातार प्रहार करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज इस बारे में कुछ नहीं कहा। चेहरे पर रोज वाली चमक व कटाक्ष करने वाली मुस्कुराहट भी गायब नजर आ रही। देखिए,
जब से आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, अच्छी अच्छी खबरें नगर निगम से आ रही हैं। पहले नगर निगम से केवल और केवल भ्रष्टाचार की दो ही खबरें आती थी, भ्रष्टाचार की खबरें आती थी, इतना ही भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी। और बस यही सुनने को मिलता था कि सफाई अलग अलग किस्म के, केवल सफाई कर्मचारी नहीं, एमसीडी के सभी कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, सभी कर्मचारी केवल सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नज़र आते थे, हड़ताल करते नज़र आते थे कि उनको तनख्वाह दी जाए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कई गलत चीज़ों को कंट्रोल किया है हमने पिछले 10 महीने में, और अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है। पिछले 3-4 महीने से ऐसे होने लगा कि अब सभी कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलने लगी है और सफाई कर्मचारियों के पक्के होने का सिलसिला चालू हुआ है। तो मैं आप सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी त्यौहारों का सीज़न है, अभी अभी नवरात्रि गए हैं, दशहरा गया है, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दिवाली आने वाली है, दिवाली के मौके पे ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दिवाली अब सब लोगों के लिए शुभ हो, छठ पूजा सब लोगों के लिए शुभ हो, दुर्गा पूजा, काली पूजा अभी हुई है, सभी त्योहारों की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मीडिया से यह कहा। अगला जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद, वो बंगाल के राज्य में होगी जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु में, उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमज़ोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमज़ोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा। केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। कि भाजपा का केवल एक मकसद रह गया है, किसी भी तरह किसी भी हथकंडे अपनाकर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए, किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। ईडी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।